थे आकाश सिंहासन छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे शांति ओम शांति। आज की तारीख है 9/5/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग हमारे बाबा के साथ मुख्य तीन संबंध, वह हमारा परम पिता भी है, फिर परम शिक्षक भी है और फिर सतगुरु भी है। तो आज मीठे मीठे बाप दादा, बाप ही जो कि हमारा सतगुरु है, तो मीठे मीठे सतगुरु बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप ही सतगुरु के रूप में तुम बच्चों से गारंटी करते हैं। हाँ, सतगुरु भी गारंटी करते, बाप भी गारंटी करते, टीचर भी गारंटी करते, बोलो अब हमें क्या चाहिए। तो गारंटी करते हैं मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाऊंगा। अब और क्या चाहिए। हाँ, स्वयं भगवान सतगुरु बनकर कहे कि मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा, तो अभी हमारा भटकना बंद, अब हमें अकेले नहीं जाना है। हाँ, ये जो कहते अकेले आए अकेले जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, हम अपने मीठे मीठे सतगुरु बाबा के साथ जाएंगे, ये गारंटी कोई भी देहधारी कर न सके। क्यों? क्योंकि किसी भी देहधारी को अपना सतगुरु का धाम, मुझ आत्मा का धाम, मेरे परम पिता का धाम, हाँ, किसी को भी पता ही नहीं है, तो वो कैसे ये गारंटी कर सकते हैं। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे ये क्या सुन रहे हो? मुरली नहीं, सत्संग नहीं, तो क्या सुन रहे हैं? बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे ये कथा सुन रहे हो। हाँ, भक्ति मार्ग में कथाएं होती है ना, भागवत कथा, सत्यनारायण की कथा, गीता की कथा, तो कथा सुन रहे हो। और जो सुन रहे हो ये पूरी कब होगी? हाँ, वो लोग सप्ताह की कथा रखते हैं, हाँ, फिर 108 की भी सप्ताह रखते हैं, तो ये कथा जो हम बाप से सुन रहे हैं वो पूरी कब होगी? उत्तर है, कब पूरी होगी? बहुत अच्छा जवाब बाबा ने दिया है, शायद आप किसी की भी कल्पना में यह बात नहीं आ सकती है। हाँ, बाबा कहते हैं कि जब तुम फरिश्ता बन जाओगे तब ये कथा पूरी होगी। कथा सुनाई जाती है पतित को पावन बनने के लिए। हाँ, तो फरिश्ता बने माना हम पावन बन गए, तो जब पावन बन गए तो कथा की दरकार नहीं। इसलिए सुख्यम वतन में पार्वती को शंकर ने कथा सुनाई, ये कहना भी रॉन्ग है। बाबा कहते हैं शंकर पार्वती को कथा सुना ही नहीं सकते। हाँ, शंकर पार्वती, शंकर तो इन्होंने शिव को इकट्ठा कर दिया है, पार्वतियां हम आत्माएं हैं। जब हम पतित बनती हैं तो हम यहाँ हैं, तो हमें शिव पिता के यहाँ कथा सुनाते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की महिमा में, हाँ? महिमा तो हम बच्चे रोज रोज करते हैं, निरंतर करते हैं, तो शिव बाबा की महिमा में कौन से शब्द राइट हैं और कौन से शब्द रॉन्ग है? हाँ, अब अपने को चेक करेंगे। शिव बाबा को अभोक्ता, असोचता और करण करावन हार कहना, बताइए आप सभी राइट है या रॉन्ग है? बाबा सोचता है, बाबा अभोक्ता है,
बाबा करण करावनहार है जी? हाँ है बाबा। तो बाबा कहते ये कहना राइट है, बाकी अकर्ता कहना राइट नहीं। क्यों? हाँ हम तो ऐसे ही कहते थे पहले, बाप अकर्ता है, अभोक्ता है। तो बाबा कहते अकर्ता कहना राइट नहीं, क्योंकि वो पतितों को पावन बनाने आते हैं, तो कर्ता हुए ना, माना कर्म किया ना, तो ये नहीं कह सकते हैं कि वो अकर्ता है। परंतु जो कर्म करते हैं वो निस्वार्थ करते और कल्याणकारी करते, इसीलिए अभोक्ता कह सकते हैं, क्योंकि बाबा को कोई भोगना हमारी तरह भोगनी नहीं पड़ती। गीत भी बड़ा प्यारा बजा है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन फिर धरती पर आ जा रही। हम भक्तों ने भक्त बन के पुकारा, अब हम भक्त से क्या बन गए? बाबा के बच्चे वारिस बन गए। धारणा के लिए सार है, नंबर एक, शांति के सागर से बाप से शांति सुख का वर्षा लेकर फिर क्या करना है? बाबा कहते हैं शांत चित्त रहना है, अर्थात क्रोध नहीं आना चाहिए। कभी किसी को दुख देकर अशांत नहीं करना है, क्रोध करेंगे दुखी होंगे वो, तो किसी को भी हमें दुख देकर अशांत नहीं करना है। फिर बाबा कहते हैं लून पानी नहीं होना है, नमक वाला पानी, नमक पानी वो कैसा होगा? खारा पानी, हाँ तो खारा पानी नहीं बनना है, लेकिन क्षीर सागर में दूध में शक्कर, तो दूध में शक्कर होगी, दूध कैसा लगता है? मीठा लगता है, तो मीठा बनना है। वरदान है दिव्य बुद्धि के द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना वह सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी क्या बना देती हैं? दिव्य बना देती हैं। वो हर बात में फिर दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों के ऊपर पड़ नहीं सकता। स्लोगन है आज का, स्वयं को मेहमान समझ करके रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अगर हम घरेलू बनेंगे तो आलस्य आएगा, निंद्रा भी आएगी, अलबेलापन भी आएगा, माया भी हमें सताएगी, लेकिन यदि हम मेहमान बन के रहें, जहां भी रहें, जब भी रहें, जितना भी समय रहें, मेहमान रहेंगे तो मेहमान बड़े अलर्ट होते हैं। मेहमान किसी के पास जाके जाएंगे तो वहां वो नींद थोड़ी करेंगे, अलबेलापन थोड़े करेंगे, या फिर वहां पर आलस्य थोड़ी दिखाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेहमान बन करके रहो तो स्थिति अव्यक्त और महान बन जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, हम बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।